राधे राधे ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगी साड़ी पे ही मिथिला पेंटिंग करना सिखा। इससे पहले भी मैं साड़ी पे ही सिखाई थी, इस बार भी मैं साड़ी पे सिखाऊंगी। तो ये देखिए कितनी सुंदर इसके इस साड़ी की आँचल में दिखा रही हूँ। देखिए इससे गैपिंग करके इसलिए बनी है क्योंकि बीच में ये पहले से ऑलरेडी डिज़ाइन बनी हुई है, इसी कारण से इस पर पेंटिंग गैप करके बनाई गई है। ओके, ये डोली का हार है, इसी तरह की बॉर्डर बनानी। चलिए इसके लिए आपको चाहिए कोई भी साड़ी। मैं यहाँ पर कॉटन साड़ी ली हूँ येलो कलर की, आप कोई भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लाइनिंग खींच रही हूँ, इसी तरह आपको भी लाइनिंग खींचे। मैं नीव का यूज़ करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई हूँ, अगर नीव का यूज करना नहीं आता है तो इसके बदले आप ब्रश से भी कर सकते हैं। मैं सारे डिटेल्स का एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है। इस तरह अगर टर्न करने वक्त इस तरह आपको लाइन एक छोटी एक बड़ी रखनी है। चलिए इसी तरह आपको लाइनिंग खींचनी है। और पता है कि मधुबनी पेंटिंग में जो है डबल लाइनिंग होती है, इसलिए मैं डबल लाइनिंग खींच रही हूँ। चलिए अब डोली का हार बॉर्डर में बनाना शुरू करें। इसके लिए मैंने पहले से ही सैंपल बना ली रखी है। अब इसमें मैं फेस बना रही हूँ। पालकी को पकड़ने के लिए दो आदमी चाहिए, इसी के लिए दोनों तरफ से आदमी बनानी है। इस तरह हाथ आपको जो भी प्रॉब्लम होंगी आप कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। डबल लाइनिंग सभी में देनी है। ये धोती में डिज़ाइन बनी है। अब हाथ में आपको कुछ भी हाथ में इस तरह डिज़ाइन बनानी है और ये कमर में। अब यहाँ पे आपको गला में कुछ बनाना और ये बाल है। यहाँ ये जो दो है इसमें ये कान है, कान में जो कि कुंडल लटकी हुई है। अब इसकी चादर बनाऊंगी। आप लोग बस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी, इसमें मैं अच्छे से बताई हुई हूँ। आप बस वीडियो के अंत तक देखते रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, आपको भी बहुत सारी डिज़ाइन आती है, आप अपने मन से भी डिज़ाइन दे सकते हैं। इसमें आपको रंगनी करनी है, मैं सारी चीज़ें इसमें कचनी रंगनी सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी। अब ये पालकी के ऊपर से डिज़ाइन बना रही हूँ, कोश है ये। अब बीच में बैठी है दुल्हन, उसे बना रही हूँ। मैं फेस का भी अलग से वीडियो बनाई हुई हूँ, क्या फेस कैसे बनाया जाता है उस वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी हूँ। ये साड़ी की पल्लू है जो कि सर पे रखी हुई है, ऊपर से रंगनी दे रही हूँ। और ये जो बैठी हुई है वो नीचे आपको आसनी है वो बना रही हूँ यहाँ पे।
अब यहाँ पे मैं फ़ैन बना रही हूँ जो कि दुल्हन को गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रही होगी, इसी कारण से यहाँ पे दे रही हूँ ताकि उसे गर्मी लगे तो वो होक सके। थोड़ी थोड़ी हंस लेनी भी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए थोड़ी मोड़ी हंसी भी दे रही हूँ। अब जैसे इस साइड आपने आदमी बनाया उसी तरह इस साइड भी बनानी है, क्योंकि दोनों तरफ से पके रहते हैं पालके को, इसी कारण से दोनों तरफ आपको बनानी है। जैसे वो बनाए वैसे ही ये भी बनाना है आपको। आप लोगों की ये भी डिमांड है कि साड़ी के आंचल की भी एक वीडियो दिखाई, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग चाहिए, तो वो उसके लिए मैं थोड़े वक्त लगेगी मैं आप लोगों के लिए, लेकिन लाऊंगी ज़रूर साड़ी के आंचल की भी एक वीडियो, स्पेशल वीडियो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़े वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वो, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो भी होगी एक तो, और उसमें मुझे बनाने में भी वक्त लगेगा इसी कारण से। इसमें भी इसी तरह आपको चादर बनानी है। इसके बाद में आपको जो है बेडशीट की फुल वीडियो डालूंगी। ओके, आप लोग रेडी रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए मेरे वीडियो को, ताकि मैं भी जो इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी लगे कि हाँ सही में मेरी इस मेहनत का सही यूज हो रहा है। नहीं तो आप लोग इसी तरह बस देखोगे तो कुछ होगा नहीं, मुझे भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। इसी कारण से आप लोग बस देखो नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब की भी करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे मुझे भी कुछ फ़ायदा मिले और आपको भी अच्छा लगे, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा तभी तो मैं भी और भी वीडियो डालूँगी। आप लोग भी इसे अपनी साड़ी पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप लोग कैसा बनाया और नहीं बनाया मैं तो नहीं देख पाती, तो इस वजह से मैंने कुछ चेंजिंग की है। आप लोग इसको किसी भी पेपर पे या फिर फैब्रिक पे जिस पे भी बनानी हो इससे बना के आप लोग मुझे मेल कीजिए, और जिनकी भी पेंटिंग अच्छी होगी मैं उसे जो है यूट्यूब वीडियो में दिखाऊंगी। ओके, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपकी भी वीडियो बनाई जाए इस पेंटिंग की, तो आप लोग प्लीज़ बना के और मुझे मेल कीजिए, मैं उस पेंटिंग को ज़रूर दिखलाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में विथ नेम, नाम के साथ भेजिएगा मुझे, और आप कहाँ से वो भी भेजिएगा, मैं सारी चीज़ें दिखलाऊंगी। इससे क्या होगा कि आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी बनाने की कोशिश करोगे, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं भी देखूंगी कि मैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो सही में पेंटिंग करना सीखना चाहते हैं। उसी तरह ये अब ये खाली स्पेस में जो है आपको फिल करनी है, मैं यहाँ पे फ्लावर दी हूँ। अब देखिए अब इस दो डोली का हार के बीच में आप गैपिंग है इससे भरनी है, तो इसमें मैं फ्लावर बना के और पत्ते से भरूँगी। ओके, इसी तरह फ्लावर आपको जो फ्लावर देनी हो वो फ्लावर दे सकते हैं। मैं फ्लावर बहुत सारे फ्लावर्स की भी एक वीडियो बनाई हुई हूँ, ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। ओके, समझ गए ना आप लोग कि आप लोग मुझे सेंड जरूर कीजिएगा अपनी पेंटिंग, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की पेंटिंग जरूर दिखाऊं। मेरी मेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ओके, और यानी तो आप मेरे चैनल पे जाके अबाउट में जाके देख सकते हैं।
इसी तरह आपको कोई फुल करनी है, ये देखिए बॉर्डर कंप्लीट हो चुकी है इसकी स्केचिंग। अब मैं इसमें जो है कछनी करके दिखाऊंगी, जिसके लिए मैं थोड़ी नीब को ठीक कर रही हूँ, थोड़ी गड़बड़ हो चुकी थी इसी कारण से आपको ये भी दिखा चुकी हूँ। तो ये सारी वीडियो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। देखिए अब मैं कछनी करनी है, धोती में आपको रेड कलर से करनी है और एक गैप करके दूसरी में करनी है, उसमें दूसरी कलर से बताऊँगी। और ये आपको माला में करनी है और ये हाथ में, और इसी तरह पगड़ी में भी करनी है, और ये जो पालकी के ऊपर डिज़ाइन बनी है इसमें भी आपको जो कलर पसंद हो वो भी कलर दे सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो कम्बिनेशन करके बता रही हूँ जो कि कुछ ज़्यादा ही लाइट करेगी। और ये फ्लावर में भी दे रही हूँ, आप चाहे तो कछनी के साइड से रंगनी भी दे सकते हो और भी ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगी। इसी तरह करनी है, सब मैं डबल कचनी कर रही हूँ, तो पहले सीधी कचनी कर लीजिए, उसके बाद जो है आपको थोड़ी तेजी करके और आपको करनी है। मैं यहाँ पे बीच में जो है एक लाइन खींच के दोनों तरफ से कचनी कर रही हूँ, और ये आसनी में भी एक एक करके, एक में रेड ग्रीन और एक में ऑरेंज ब्लू से करूँगी। देखिए सब में डबल कचनी कर रही हूँ, और ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई है उसमें पूरी रेड से ही कचनी करेंगे, आप चाहे तो रंगनी भी कर सकते हैं। ये सभी साड़ी जो मैं बनाती हूँ ये सभी ऑर्डर की साड़ी होती है, मुझे ऑर्डर मिलती है इसलिए मैं बनाती हूँ। आप भी चाहे तो मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन पहले आपको एडवांस देनी पड़ेगी, आप उसके लिए मुझे मेल कीजिए, मैं आप जैसे डिज़ाइन चाहोगे मैं वैसी डिज़ाइन बना के आपको साड़ी दूँगी। ओके, तो मैं ऑर्डर की भी साड़ी बनाती हूँ, सारी चीज़ें सूट उसके बाद दुपट्टा सारी चीज़ें पे बनाती हूँ, मास्क पे भी, अभी तो मास्क ज़्यादा ही चल रही है। ओके, तो आपको अगर ऑर्डर देनी हो तो आप मुझे मेल कीजिए। और ये ऑरेंज में कशनी कर रही हूँ, धोती में चादर में डबल कचनी और इसमें भी डबल कचनी कर रही हूँ। और इसमें सीधी कचनी करनी है, आप इसमें चाहे तो गोल की छोड़ के पूरी रंगनी भी दे सकते हैं, मैं गोल की छोड़ के कचनी दे रही हूँ। ब्लाउज़ में आपको डबल कचनी करनी, मैं बस अब करूँगी डबल कचनी, मैं सीधी कर ली हूँ इसे थोड़ी तेजी करके, अब उसमें डबल कचनी करूँगी। फैन में भी ऑरेंज से ही करनी है, देखिए सभी में डबल कचनी कर रही हूँ।
आप लोगों को बता दूं कि मिथिला पेंटिंग आप सीख जाओगे तो आप खुद जो है आप एक अपना बिजनेस भी कर सकते हो, इसलिए अच्छे से सीख लीजिए और आप किसी भी ऑर्डर की साड़ी बना सकती हैं। आप अगर अच्छे से अगर आपको पेंटिंग आती होगी तो मैं भी दे सकती हूँ आपको साड़ी बना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आते हैं पेंटिंग करने के लिए, तो अगर मुझे बहुत सारे आएगी तो मैं आपको भी दे सकती हूँ अगर आप अच्छा करोगे तो। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप अपनी पेंटिंग जो है मुझे मेल कीजिएगा, मैं देखूँगी कि इनकी पेंटिंग कितनी अच्छी है, तो हो सकता है कि मैं तब से उन्हें कुछ जॉब भी मिल जाए। इसलिए आप लोग अपनी अपनी पेंटिंग बना के और मुझे मेल कीजिए। अब ये और जैसी मैं बनाई वैसी सेम टू सेम ही उतारना नहीं, इसमें कुछ मतलब आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन से कर रही हूँ तो आप कोई दूसरे कलर से, और यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे डबल कशनी कर रही हूँ तो आप कोई दूसरे कशनी करके या फिर कोई डिज़ाइन बना के भी मुझे भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जैसा बनाई हूँ वैसा ही आपको भी बनानी है, आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं। ग्रीन से इसी तरह आपको पत्ते जो है आपको ग्रीन और ब्लू से करनी है। अब ब्लू से ये देखिए पत्ते को कर रही हूँ। इसके बाद रंग नहीं करूँगी। ओके तो आप लोग रेडी रहिए। आपको बताई हुई रंगनी के लिए 000 साइज़ की ब्रश सही है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत ज़्यादा पतली होती है और उसमें से रंगनी करने में बहुत ही अच्छी होती है, आपको लाइनिंग से बाहर नहीं निकलेगी। इससे पहले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखी हो तो वो भी जाके देखिए, वो भी बहुत ही अच्छी है। बेडशीट की सिल दिखाई हुई हूँ और मैं इससे पहले भी बहुत सारी साड़ी की भी पेंटिंग बनाना सिखाई हूँ, साड़ी पे पेंटिंग बनाना सिखाई हूँ, वो भी देखिए आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अब चलिए रंगनी करते हैं। रेड से मैं यहाँ पे रंगनी कर रही हूँ चादर में। किस कलर से कर रही हूँ ये सभी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएगी, जिसमें कि नीब से करना सिखाई हूँ, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है, डाल दी हूँ, आप उसे ज़रूर देखिए उस वीडियो को, ताकि आपको कुछ और भी चीज़ जानने को मिले। रंगनी करते वक्त याद रखिएगा लाइन से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, कचनी करने वक्त भी याद रखिएगा लाइनिंग से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, एकदम फिनिशिंग वर्क होनी चाहिए। ओके तो यहाँ डबल लाइनिंग के बीच में जो गैप होती है उस समय कलर नहीं लगनी चाहिए। इसी तरह चादर में कर रही हूँ। इसके बाद मैं ब्लैक से रंगनी करूँगी और येलो से। ओके चलिए ब्लैक से अब मैं बाल को रंग रही हूँ। ये कान छोड़ के आपको रंगनी है। ब्लैक से ज़्यादा रंगनी नहीं होती है, आप ज़्यादा में भी दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, रेड से ही करना। और ये दुल्हन के बाल रंग रही हूँ। इसी तरह इस साइड वाले को भी रंगना है। चलिए अब येलो से जो भी बची हुई है गोल की उसमें कलर करनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग वर्क है, आप भी इसी तरह करके मुझे मेल कीजिए, मैं देखूँगी किन की फिनिशिंग वर्क है। अगर हो सकता है अगर आपके अच्छी वर्क हो तो मैं आपको वर्क भी दे सकती हूँ। ये देखिए पूरी बॉर्डर कंप्लीट हो गई है, कितनी सुंदर लग रही है। और ये साड़ी की पल्लू है जो कि जिसे आँचल भी कहा जाता है। ये देखिए इसमें भी डोली का हाड़ी बनी, इसमें थोड़ी बड़ी बनती है और ऊपर नीचे बॉर्डर बनती है।
ये मोड है और ये गैपिंग तो आपको बता ही दी हूँ, इसलिए है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से डिज़ाइन बनी हुई है, डिज़ाइनेबल साड़ी थी इसीलिए इसमें डिज़ाइन को छोड़ के पेंटिंग बनाई गई है और आँचल 1 मीटर में बनती है। ओके, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।